हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और हमारी अपनी वेबसाइट। ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। जानकारी के लिए बता दो, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर लिए। इस कोर्सेज में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टैली, एडवांस एक्सेल, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर बेसिक्स, एम्बेडेड सिस्टम, ऑटोकैड जैसे कई सारे कोर्सेज हैं। और भी हम लोग 50 से अधिक नए नए कोर्सेज ऑनलाइन में लाने वाले हैं। तो ये सब कोर्सेज करने के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप के जरिए www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में आपको विजिट करना रहेगा। यदि आप मोबाइल से करना चाहते तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा एक ऐप है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जिसको डाउनलोड करके ये कोर्सेज आप आसानी से कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए ये नंबर को आप व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज खाली लिख लीजिए, तो आपको पूरी जानकारी या पूरी सहायता कर दी जाएगी ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड। और अधिक जानकारी के लिए ये मेरा मेल आईडी है, उस पर भी आप मेल भेज सकते हो। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लोन कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए, बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए आप लोन का कैलकुलेशन कैसे करोगे, उसकी एंट्रीज कैसे करोगे। तो आज मेरे साथ में जुड़े हुए हुज़ैफ़ा सर। चलिए हुज़ैफ़ा सर हमें क्या सिखाते हैं वो देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोन का कैलकुलेशन कैसे होता है। और पूरा कोर्स अगर करना है तो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप मेरी सहायता ले सकते हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए निकेत शाह प्लस चैनल को और बेल आइकन का दबाइए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोन कैलकुलेशन। लोन कैलकुलेशन कैसे होता है? तो दोस्तों, लोन के जो टाइप्स है हमारे वो दो है। पहला टाइप है सिक्योर लोन, दूसरा टाइप है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन में दोस्तों क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को गिरवी रख के लोन देते हैं, और अनसिक्योर लोन में हम लोग किसी भी चीज़ को गिरवी रख के लोन नहीं देते हैं ना लेते हैं। और दूसरी बात, हम लोग सिक्योर लोन को हम लोगों को देना पड़ता है, कोई वर्क दिया जाएगा तभी हम लोग को देना पड़ेगा। और उसके बाद जो अनसिक्योर लोन होता है, जो हम लोग किसी और से लेते हैं, तब उसमें हम लोग उसको कभी भी दे सकते हैं, ऐसे लोन्स होते हैं। ठीक है, तो अभी एक लोन लूँगा मैं बैंक से और एक लोन लूँगा मैं फ्रेंड से। तो पहले मैं बैंक लोन बनाता हूँ, इधर पर अकाउंट इन्फो या के लेजर क्रिएट करता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आपको इसके प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके लिए आपको F11 दबा के अकाउंटिंग फीचर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लोन फ्रॉम बैंक एक लेजर बनेगा, तो ये हम लोगों का अंडर ग्रुप क्या आएगा, लोन इन लाइबिलिटी में आएगा, और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर एक आता है दोस्तों, इधर पे कौन से बैंक से ले रहे हो, मैं एक्सिस बैंक से इधर लोन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लेता हूँ क्योंकि बैंक से ले रहे हो। तो इधर पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा क्या हम लोग के ऊपर, तो पे मैं यस करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 10% इंटरेस्ट के ऊपर लोन ले रहा हूँ एक्सिस बैंक से। ठीक है, फिर उसके बाद लोन फ्रॉम फ्रेंड। ठीक है, अभी ये लोन मैं ले रहा हूँ फ्रेंड से, तो ये मेरा एक लोन इन एडवांस एसेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वो दे रहा है हम लोगों को इधर पे, तो ये यस कर दूंगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मैं इससे ले रहा हूँ 5% के इंटरेस्ट पे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग इधर पे कि वो जो मैं ले रहा हूँ लोन फ्रॉम फ्रेंड वो किस पे, तो वो कैश में भी ले सकता हूँ और अगर बैंक अकाउंट्स में ले रहा हूँ तो वो भी ले सकता हूँ। तो इधर पे मैंने 3 ही लेजर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों इधर पे मैं अकाउंटिंग वाउचर में आता हूँ, जो इसकी एंट्री है ना तो पेमेंट ना तो रिसीप्ट, दोनों में भी नहीं होगी, ना परचेस ना सेल, इसकी एंट्री होगी आपकी जनरल वाउचर में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी डेबिट हो रहा है हम लोगों का लोन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से मैं लोन ले रहा हूँ। ठीक है, 50,000 का मैंने लिया लोन, किससे ले रहा हूँ, एक्सिस बैंक से। ठीक है, क्रेडिट हुआ एक्सिस बैंक से। ओके, इसी तरीके से मैंने लोन लिया लोन फ्रॉम फ्रेंड, तो इधर पे कैश पहले आएगा डेबिट एरिया में, तो कितना ले रहा हूँ मैं, 50,000। क्रेडिट किसके पास से हो कर रहा है, तो मेरे फ्रेंड के पास से हो रहा है, तो ये हो गया एक्सेप्ट। तो अभी दोस्तों इधर तो हम लोगों ने एंट्री कर दी, तो अब इसकी मेरे को फाइनल रिपोर्ट देखनी है। तो यहाँ पे बैंक जाइए, यहाँ पे आप डे बुक से भी चेक कर सकते हो, साथ ही साथ आप इधर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आओगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, आपको रिसीवेबल एंड पेएबल चेक करना होगा आपका,
डेट चेंज करने के बाद भी इधर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों भी हम लोगों ने क्या किया है, पेबल में हम लोगों का एंट्री होएगा, क्योंकि किसी ने हम लोगों से रिसीव नहीं किया है, हम लोगों को पे किया है, ठीक है। तो यहाँ से पेबल में दोनों भी एंट्री हम लोगों को नज़र आई है, एक लोन है एडवांस सर्टिफिकेट डायरेक्ट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो देखिए लोन फ्रॉम फ्रेंड, तो इसका हम लोगों को कितना इंटरेस्ट देना है, अभी 2,500 रुपये इंटरेस्ट देना है, ठीक है। फिर इसके बाद बैंक अकाउंट में हम लोगों का एक्सिस बैंक, तो इसका कितना हम लोगों को इंटरेस्ट देने का है, तो 5,000 इंटरेस्ट देने का है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हम लोगों का कि लोन कैलकुलेशन किस तरीके से करने का। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।